हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू रेसिपी। रेसिपी का नाम है साबूदाने का चिल्ला। तो फ्रेंड्स, यह साबूदाने का चिल्ला बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। खासकर इसे नवरात्रों में बहुत बनाकर खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे एक घंटा पहले आप भिगो दिया था। ये काफ़ी अच्छे तरीके से फूल चुका है। मैं आपको एक साबूदाने का पीस आपको देखिए अपने हाथों में दबाकर दिखा देती हूँ। ये काफ़ी अच्छे तरीके से भीग चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बनाती हूँ चटनी। चटनी के लिए मैंने लिया हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अदरक लिया हुआ है और इसमें मैं अपना धनिया डालूंगी। तो देखिए, मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। ये हम स्पेशल नवरात्रों के लिए बना रहे हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च भी डाल दी हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। तो देखिए, ये मैंने थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। इससे हमारी चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी छोटी सी अदरक। तो इसका मैं चारों तरफ से पहले छिलका छील लेती हूँ। आपको इसमें ज़्यादा अदरक नहीं डालनी है। मैंने इसमें छोटी सी अदरक ले ली है। इससे हमारी चटनी में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है लेमन। लेमन डालने से हमारी चटनी का टेस्ट खट्टा मीठा बहुत ही टेस्टी आता है। तो देखिए, फिर से मैंने लेमन ले लिया है। अब हमारी चटनी के अंदर जा रहा है लेमन। ये मैंने हाफ लेमन इसमें स्क्वीज कर दिया है और हाफ लेमन और इसमें मैं स्क्वीज कर दूंगी। तो देखिए, मैंने इसमें 1 नींबू डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट, वो है नमक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है। ये स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब आता है हमारे चिल्ले का नंबर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने खाली बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर अब हम अपने आलुओं को क्रश कर लेंगे। आलू को आप इसमें क्रश करके डालेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसकी आलू की इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि हम अपने आलू के और साबूदाने के चिल्ले बनाने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके अपने सभी आलुओं को क्रश कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें सभी आलू क्रश कर लिए हैं। छोटे मोटे मैंने 5 से 6 आलू लिए हुए थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपने आलू को क्रश कर लिया है। और तो फ्रेंड्स, अब आता है हमारे साबूदाने का नंबर। साबूदाने को हम अपनी मिक्सी के जार में डाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। कुछ ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसे अपने आलू वाले मिक्सचर में डाल लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार नमक। तो मैं इसमें 1 स्पून सेंधा नमक लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सेंधा नमक डाल लिया है। और अगर आप इसे तीखा बनाना चाहते हो तो उसमें आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो या फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी और इसका मैं एक अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी, ताकि हमारे इसमें चिल्ले बनकर तैयार हो जाएँ। और इसे थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी कटी हुई हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी, ताकि हमारा पेस्ट बिल्कुल चिल्ले जैसा बनकर तैयार हो जाए। मैं दूसरी तरफ मैं अपनी गैस को ऑन कर लेती हूँ। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है, तब तक हम अपना पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी, ताकि हमारा तवा चिकना हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे इसे चिल्ले का बैटर, जो कि मैंने बनाकर तैयार कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना चिल्ला इसी तरह बना लूँगी। आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह पकाना है। आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है इसे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर थोड़ा सा घी ऊपर भी डाल दूंगी। आपको इसे चारों तरफ से धीरे धीरे और अब इसे पलट देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिल्ला एक तरफ से सिक चुका है। आपको धीरे धीरे अपने चिल्लों को इसी तरह सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा चिल्ला एक तरफ से सिक चुका है। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी पलट लूंगी। तो फ्रेंड्स, पलटने से पहले मैं इस पर थोड़ी सी चिकनाई लगा दूंगी ताकि ये चिपके नहीं। वैसे हमने नॉनस्टिक पैन लिया हुआ है, चिपकेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप दूसरी तरफ से देख सकते हैं हमारा चिल्ला कितना अच्छा सिक रहा है। तो एक एक करके मैंने सभी चिल्लों को इसी तरह बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने 2 से 3 चिल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए, यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि आलू और साबुदाने के हमने चिल्ले बनाकर तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी साथ से आपसे ऐसे ही मुलाकात होगी।